आप सभी को एक बार फिर से हमारे न्यू वीडियो में स्वागत है। फिर एक नए वीडियो में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। और आज आपको दिखाता हूं कि हमारी बागवानी में छोटा सा बाड़ी, जो घर के सामने जो खाली जगह होता है उसको बाड़ी कहा जाता है, और उस बाड़ी में हम लोग क्या क्या लगाए हैं और उस सारा चीज़ को मैं आपको दिखाऊँगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा, और अगर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये था, आप जो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह हमारी बागवानी में, ये देखिए केला का फल दे चुका है, और इस केले को मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह केला पेड़ छोटा सा है, लेकिन इस केला का जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत केला। देखिए यह अभी शुरुआत हो चुका है, और इस केले में कितने ऐसे केले का फल का जो केले में कितना फल दिया है इसको आपको दिखाऊंगा। ये तो पहला है, और आइए मैं आपको लिए चलता हूँ। ये देखिए, ये अंदर आपको झुक के आना पड़ेगा। ये देखिए, ये दूसरा केला है, ये देखिए दूसरा केला, ये भी शुरुआत हो चुका है और ये भी यहाँ पे दिखेगा, और जब पकेगा तो मैं आपको ज़रूर खिलाऊँगा। आप कमेंट कीजिएगा कि यह केला कैसा है, फिर आपको लिए चलता हूँ। देखिए ये देखिए, यह अत्यधिक बारिश के कारण यह केला सड़ चुका है और ये अच्छा नहीं हुआ, यह केला खराब हो चुका है। और फिर अब ये देखिए, ये शरीफा है, हम लोग देहाती में इसको मदाल बोलते हैं, और यह काफ़ी अच्छा है। जब यह पकने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। यह शरीफा हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। और यह देखिए, और इसमें जो पेड़ में है शरीफा का, जो पेड़ में देखिए कितना अच्छा, देखिए वो ऊपर में बहुत है, उसको तो पहुंचाने नहीं सक रहे हैं। तो मैंने इसको लगाया था तो ये छोटा सा था, अब यह काफ़ी बड़ा हो चुका है। और देखते हैं कि ये देखिए, यह शरीफा आप इसको दिखाइए थोड़ा सा, देखिए यह शरीफा कितना अच्छा, अभी यह 100 रुपये किलो है, और यह इसको पकाने के लिए हम लोग इसको तोड़ेंगे और चावल के अंदर डाल देंगे तो यह और भी ज़्यादा तरीके से जल्दी पक जाएगा। ये है नींबू का पेड़, और ये देखिए नींबू यहाँ पे फल चुका है। अभी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर हम लोग नींबू को तोड़े खाने के लिए, और उसका शरबत भी बनाए। तो ये देखिए नींबू यहाँ पे फल चुका है, हम लोग को डेली प्रतिदिन नींबू यहाँ से निकलता है, और जब भी हम लोग नींबू खाने का मन करता है यह नींबू यहाँ से। अब इस पेड़ को दिखा दीजिए, नींबू का पेड़ को देखिए, छोटा सा पेड़ है, इस पेड़ को हमने लगाया था। और ये देखिए, यह तो आप जानते हैं, यह अमरूद है। यह देखिए, यह केला है, इस केला को भी मैंने इस बार लगाया है, और यह केला इतना ज़्यादा छोटा समय से इसका ग्रोथ इतना अच्छा हुआ है कि अब देखते हैं कि फल कैसा देगा। यह उस केले से यह अच्छा केला माना जाता है, इसकी वैरायटी अलग है, और इसको जब देखेंगे कि ये जब पकेगा, ये जब यहाँ से फल निकलेगा तो इसकी क्वालिटी कैसी होगी, अब इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक देखिए पत्थर चट्टा का, यह पत्थर चट्टा का है। जब भी आपको पथरी की समस्या हो तो आप हमारे यहाँ से इस पत्थर चट्टा को ले जा सकते हैं और इसको खाली पेट सुबह खा सकते हैं। जब यह पत्थर चट्टा को आप खाएंगे तो आपके शरीर के अंदर की जो पथरी है वो गल के निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यह औषधीय पौधा भी हमारे इस छोटे से जगह में काफ़ी ज़्यादा है। जब कभी भी आपको पथरी की समस्या हो तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। रेडी, इसको तो ओल बोला जाता है हमारे देहाती, इसको तो ओल बोला जाता है हमारे देहाती क्षेत्र में भी, बहुत ही ज़्यादा मद्रासी ओल, ये ओल जब इसको खाते हैं तो इसका एसिड जब हमारे मुंह में आता है तो थोड़ा सा खुजलापन की समस्या होती है, लेकिन वह हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और आप इसको एक बार मौसम में ज़रूर खाइएगा, क्योंकि यह हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों विकास के लिए ओल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह हमारी एक ग्रामीण सब्जी के रूप में तैयार किया जाता है, आप इसको ज़रूर खाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है गमार, और इस गमार की उपयोगिता आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इस गमार पेड़ का जो उपयोगिता कैसे होती है। हम इसको कहीं भी लगा देते हैं तो यह हो जाता है। ये देखिए, यह काफ़ी ये धीरे धीरे मोटा हो रहा है, और
इसकी मोटाई मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह मोटाई अभी इतना हुआ है, बाद में यह बहुत ही मोटा हो जाता है और इसकी कीमत करीब 10,000 से भी ज़्यादा इसकी कीमत हो सकती है। तो यह था हमारा गढ़हल का पेड़, हमारा यह इस बारी में है। तो अभी हम लोग हैं हल्दी के क्या बोलते हैं, हल्दी की खेती जहाँ पे हम लोग किए हैं वहीं पे आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार यहाँ पे हल्दी है। और ये देखिए, यह सारा हल्दी है, ये सारा हल्दी का पौधा है। और इस हल्दी का पौधा की उपयोगिता आप जानते हैं कि हल्दी हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हल्दी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर चीज़ में हल्दी का यूज किया जाता है, चाहे वह घाव में हो, चाहे वह सब्जी में हो, चाहे मसाला में हो, हर जगह हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो यह हल्दी को लगाने के लिए देखिए कोई विशेष ज़रूरी नहीं होती है। आषाढ़ के महीने में जब हम लोग खेती करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इस हल्दी को गाड़ देते हैं ज़मीन में, और गाड़ने के बाद यह देखिए कितना बड़ा पौधा हो जाता है। यह इसको सिंचाई के लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, वर्षा से खुद यह बड़ी हो जाते हैं। और जब यह एक जो हल्दी का जो जहाँ से हल्दी निकलता है वहाँ पे एक हल्दी से लगभग 1 किलो से भी ज़्यादा हल्दी हमारे यहाँ पे होता है। तो जब हम इसको यहाँ से निकालेंगे, खुदाई करके निकालेंगे, तो यह बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हल्दी निकलेगा। तो इस हल्दी की उपयोगिता, अगर आपको हल्दी चाहिए तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, और यह हल्दी का पेड़ कैसा है आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए। यह कटहल का पेड़ है, जब मैंने इसको लगाया था तो ये छोटा सा था और देखिए यह हमसे भी बड़ा हो गया। यह भी हाइब्रिड किस्म का हल्दी है, यह हाइब्रिड किस्म का कटहल है और इसको मैंने रांची से लाया था और इसको अपने बारी में लगाया। और अभी देखना है कि इसका कब फल निकलता है। अभी 2 साल होने जा रहा है इस कटहल का पेड़ को, अब देखना है कि कब से फल आता है और कब से हमको खाने को मिलता है। तो यह हल्दी, यह कटहल का उपयोग, इसके पत्ता का भी उपयोग हम लोग दुर्गा पूजा में करते हैं, दोना बनाते हैं और उस दोना से हम लोग मंदिर पूजा करने के लिए ले जाते हैं। तो यह काफ़ी अच्छा हमारे बागवानी में, यह छोटा सा है लेकिन यह बड़ा हो जाएगा। और देखिए फिर आपको कब हम कटहल खिलाते हैं। अभी देखिए हम लोग करंज का पेड़ में है और इस करंज के पेड़ की उपयोगिता तो आप जानते हैं, हर क्षेत्र में बतुआन हो, तेल हो, इसका उपयोग किया जाता है। यह करंज हमारे लिए बहुत ही औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। करंज हमारे लिए, हमारे झारखंड में यह करंज का पेड़ कहीं भी उग जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो करंज है या इस पेड़ की, यह भी पेड़ हमारे यहाँ पे है और देखिए वहाँ पे बांस का पेड़ है और उस बांस का पेड़ को आप जानते हैं। और यह देखिए हमारा बागवानी को आप एक बार थोड़ा सा दिखा दीजिए, कैमरामैन फोकस कीजिए, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारा अमरूद का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, सागवान का पेड़ है। और मैं आपको और एक चीज़ दिखाना भूल गया, यहाँ पे हमारे यहाँ ये जो बोलते हैं कि जब कोरोना आया था तो ये इस चीज़ का वैल्यू सबसे ज़्यादा था, या इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसका हम लोग काढ़ा बनाते हैं और काढ़ा को खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा होती है। हमारे देहातों में कहा जाता है इसको अमरलता कहा जाता है, लत गुलांची कहा जाता है। तो ये देखिए यह है, इसका भी हमारे यहाँ है। जब यह, अगर आपको डेंगू हुआ है और डेंगू में आपकी जो प्लेटलेट्स को बढ़ाना हो तो यह आपको जरूर सेवन करना चाहिए प्रतिदिन, या इसका काढ़ा बना के या तो इसका पीस के इसके रस का सेवन जरूर करना चाहिए और इससे आपकी इम्यूनिटी जरूर बेस्ट हो। तो ये था हमारे छोटा सा गार्डन और इस गार्डन में मैं आपको दिखा दिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिए, और अगर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये देखिए एक बार दिखा दीजिए छोटा सा, यहाँ पे देखिए एक नींबू यहाँ पे फला हुआ है और इसको मैं अभी तोड़ूंगा नहीं। यह देखिए काफ़ी अच्छा है, यह बहुत ही सुंदर
प्रकृति नेचुरल है, इसमें कोई बनावटी नहीं। और यह देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा, तो एक बार पूरा दिखा दीजिए। और तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक फिर आप सभी को जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।